ओके सो व्हाट इज अप गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा MIUI बेस्ड कस्टम रोम अवेलेबल है Redmi Note 8 यूजर्स के लिए, जिसका नाम है MIUI है। और इसमें क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी, क्या वे अपने डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले MIUI है इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो है इसकी स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। बिल्कुल बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड कस्टम इसको कहा गया है, आई एम नॉट श्योर सच में नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स MIUI, अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं MIUI 12.5.21.11.3 वर्शन, बेटा वर्शन, जो कि Redmi Note 8 यूज़र्स के लिए अवेलेबल है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कुछ टाइम से और बिल्कुल ये चाइना बेटा के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको इसमें स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ कि बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वैसे एंड्रॉयड 10 जो है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा ज़रूर, लेकिन अगर आपको पता हो अगर आप चाइना बेटा यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आप EU का बेस पे कस्टम रोम यूज़ करेंगे या स्टॉक ग्लोबल यूज़ करेंगे, उसके कंपेरेटिवली इसमें आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप नोट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में मेरे पास कोई भी खास ऐप्स अवेलेबल नहीं है। इवन दो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, Xiaomi का वेदर ऐप अवेलेबल नहीं है, तो जो डेवलॉट यहाँ पर किया गया इसको वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में डेवलॉट किया गया। काफ़ी सारे ऐप्स यहाँ से उड़ा दिए गए हैं जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा जो मेजर चीज़ें हैं जो आपको चाहिए MIUI 12.5 एनहेंस्ड एडिशन वगैरह में देखने को मिलती हैं, लाइक न्यू विजेट स्टोर, ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं जिन्हें आप अपने डिवाइस में अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी विजेट को हम होम स्क्रीन पर लेके जाना चाहें तो वहाँ पर कोई भी इश्यूज़ हमें देखने को नहीं मिलेंगे। काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी आपको देखने को मिल ही गया है, मेरे ख्याल से ये आपको ज़रूर पसंद आएगा, ऐसा मुझे लगता है, और ये रोम आपको ज़रूर ट्राई आउट करना चाहिए। चाइना बेटा के ऊपर बेस्ड है तो बिल्कुल गूगल ऐप्स इंक्लूडेड देखने को नहीं मिलेंगे जिसे आप इंस्टॉल कर सकते थ्रू मैजिस। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी थी जिसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा, वो है सेफ्टी नेट स्टेटस। ऑफकोर्स मैंने अभी गूगल अकाउंट से साइन इन नहीं करा है और मैजिस से मैंने गूगल ऐप्स को इंस्टॉल करा है, इसलिए मे भी इशू हो सकता है। काफ़ी टाइम तक मैंने सेफ्टी स्टेटस को ट्राई आउट किया, जस्ट सेकंड के बाद यहाँ पर मुझे कुछ भी शो नहीं हुआ। वैसे मैंने साइन इन नहीं किया जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर मैं साइन इन करूँगा यूज़ करूँगा मे भी मुझे यहाँ पर स्टेटस जो शो हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हुआ। तो बस यही सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं, ये जो मुझे बग देखने को मिला है, मे भी ये बग हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन से गूगल ऐप्स यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह से गूगल प्ले स्टोर को इंस्टॉल करते हैं। मैं वैसे यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैजिस गूगल ऐप्स कोर वर्जन, जो हम मैजिस से इंस्टॉल कर रहे हैं। इसको इंस्टॉल करने का सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी बूट लूप हो या कोई ऐसा भी इशू आए तो आप डायरेक्टली यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं गूगल ऐप्स को, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वैसे आप निक गूगल ऐप्स को भी ट्राई आउट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बात करते हैं इसके एनिमेशंस की, और अनफॉर्चुनेटली तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ इश्यूज़ होंगे, बट नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छे एनिमेशंस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही कमाल के एनिमेशंस, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग स्पीड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा, वो शायद सेम होगा, लेकिन आप एनिमेशंस देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्मूथ एनिमेशंस हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर जरूर कोई ना कोई मॉड्यूल यूज़ किया गया होगा, MIUI होम मॉड्यूल फॉर श्योर, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आप एनिमेशंस को कैसे स्मूथ कर सकते हैं, तो मे बी उस मॉड्यूल को यहाँ पर यूज़ किया गया, लेकिन सच में एनिमेशंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये कस्टमाइजेशन बेस्ड कस्टम रोम नहीं है, MIUI है, यानी कि जो MIUI के चाइना बेटा के ऊपर बेस्ड है। कोई भी फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, जो नए ऑप्शंस जो आपको MIUI 12.5 एनहांस में देखने को मिलते हैं, ये नया सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी, बैटरी एक्सेट्रा, सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है जो आप अपने डिवाइस में ट्राई आउट कर सकते हैं। बस यही सब था आज के इस वीडियो में। इस फाइल का लिंक, इस रोम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप कस्टम सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हैं। आई विल सी नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air.